समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में निषाद समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग को लेकर 30 सितंबर को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सुबह 11 बजे से धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि शनिवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सुबह 11 बजे निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सभी सजातीय लोगों से अपील है कि कार्यक्रम में पहुंचकर उसे सफल बनाएं, जिसमें निषादों की सभी उपजातियों को आरक्षण देने का पत्रक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से सौंपा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, चार समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाने की मांग को लेकर के 30 सितंबर शनिवार को गोरखपुर जनपद के नगर निगम के लक्ष्मीबाई पार्क में हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित है। उसी धरना प्रदर्शन में निषाद सभी निषादों से अपील करने के लिए कि सभी लोग कार्यक्रम में शामिल हों, और चूंकि निषाद जो समाज हमारा है आज उसकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक हम लोगों को निषाद अनुसूचित जात का सुविधा नहीं मिल पाया है, उसको लेकर के आज चाहे शैक्षणिक स्तर पे कहिए, प्रशासनिक स्तर पे कहिए, सामाजिक स्तर पे कहिए, हर स्तर पे जो निषाद समाज है वो काफ़ी पिछड़ा है। आज किसी भी विभाग में जाएंगे तो निषाद समाज के लोग नहीं मिलेंगे। देश आज़ादी के बाद आज भी निषाद समाज की स्थितियां सुधर नहीं पाई हैं, तो आज हम निषाद समाज के लोग आरक्षण को लेकर के कि निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए, इसी को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और अभी पूर्व में आपने देखा तमाम लोगों ने निषाद समाज का आरक्षण के नाम पर वोट लिया। जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग निषादों का सम्मेलन करते हैं और सम्मेलन में ये कहते हैं कि आप लोग हमारी सरकार बनाइए, सरकार बनते ही हम निषादों को अनुसूचित जाति के सुविधा देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है लोग, इन लोगों ने निषाद समाज को धोखा देने का काम किया है, अभी तक निषादों को ठगने का काम किया है। और हमारे समाज के ही कुछ लोग जो आरक्षण के नाम पर पार्टी बनाए, संगठन बनाए, और आज जब सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में मलाई खा रहे हैं, तो वो भूल गए हैं कि उनके नीचे हजारों लाखों निषाद समाज बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा। वो आरक्षण को भूल गए हैं। इस नाते अब निषाद समाज के लोगों ने खुद निर्णय लिया है कि सड़कों पर उतर करके अपने आरक्षण की लड़ाई को, अपनी आज़ादी की लड़ाई को खुद सड़कों पर उतर करके लड़ने का काम करेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 30 सितंबर से एक आंदोलन की शुरुआत किया है, और उस दिन हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक पत्रक जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से सौंपेंगे और मांग करेंगे कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए, इसी को लेकर के हमारा कार्यक्रम है।